हाय मैं हूँ स्वप्निल और मैं हूँ दुखी। तूने अपना नाम चेंज कर लिया क्या? मैं सचमुच में दुखी हूँ। क्यों? तूने आपका सुरूर देख ली क्या? अबे मैं उससे भी ज्यादा दुखी हूँ यार। आपका सुरूर से ज्यादा दुखी क्या हो सकता है? मैंने डिसाइड कर लिया मैं कॉमेडी सर्कस जीतना नहीं चाहता मैं। अबे तो हम क्या यहाँ कंचे खेलने आए हैं? सब लोग जीतने हैं, हम लोग भी जीतने हैं, तू क्यों नहीं जीतना चाहता? अबे मैं इसलिए जीतना नहीं चाहता, जीतने के बाद जब मैं घर से निकलूंगा तो लोग कहेंगे वो देखो कॉमेडी सर का जो जोकर जा रहा है। वो तो तू वैसे भी घर से बाहर निकलेगा तो लोग वही बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यार तू जीतने के बाद कितना फेमस हो जाएगा, स्टेज शो, इनॉग्रेशन। अरे नहीं करना मुझे यार, बस मुझे मिमिक्री नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना मुझे। अरे क्यों, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? लोगों के लाफ्टर से प्रॉब्लम है तेरे को? अरे अर्चना जी को देख, अरे जो कि खुशबू की अफवाह भी सुन ले ना, जोर जोर से हंसने लगती है। देखा? छोड़ यार ऐसी बात है ना, तो मुझे भी कॉमेडी सर्कस नहीं जीतना है। तू सच कहता है यार, बहुत प्रॉब्लम है अगर हम जीत गए तो। यार कितने लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, साबुन और डिटर्जेंट का खर्च, कैमरा के सामने हंसना पड़ेगा, टूथपेस्ट का खर्च, और कितने प्रोडक्ट की ऐड करनी पड़ेगी। अगर कोई प्रोडक्ट में कीड़े निकले तो कोर्ट केस अपने पे हो जाएगा। हो सकता है महाराष्ट्र का गवर्नर हमें चाय पे बुलाए। अब इतने ट्रैफिक में चाय पीने वहां तक कौन जाएगा यार, मुझे नहीं जीतना है। और हो सकता है अपने को इंडियन क्रिकेट टीम में ले ले, आजकल वहां भी बहुत कॉमेडी चल रही है। हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस वाले हमसे कहे कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो। अब अगर बीजेपी ज्वाइन करो तो कांग्रेस नाराज, कांग्रेस ज्वाइन करो तो कांग्रेस नाराज। हंसा 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 ए हंसा मतलब फंसा। चल अब सच बोल, सच बोल, तू जीतना क्यों नहीं चाहता? नहीं मैं जीतना तो चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं मिमिक्री करना नहीं चाहता मैं। अबे वीआईपी देख, भगवान ने ना हर इंसान को एक स्पेसिफिक काम के लिए यहाँ भेजा है। राखी सावंत को कंट्रोवर्सी करने के लिए भेजा है, लालू प्रसाद यादव को घोटाले करने के लिए भेजा, इंडियन क्रिकेट टीम को हारने के लिए भेजा है। और मेरे को मिमिक्री करने के लिए भेजा? हाँ तो तू करना। लेकिन ये लोग ना बोलते हैं यार, बोलते तू मिमिक्री मत कर, मैं नहीं करूंगा यार। अरे वीआईपी लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं भाई, आज तक कितने लोगों को कितना कुछ बोला, लोगों ने कुछ नहीं रोका। देख सौरव गांगुली को बोला क्रिकेट खेलना बंद कर, उसने किया? नहीं नहीं किया ना। देवानंद को बोला अब तो फिल्में बनाना बंद कर, उसने किया? नहीं किया। जॉन अब्राहम को बोला बेटा एक्टिंग कर, उसने किया? बिल्कुल नहीं किया। मल्लिका शेरावत को बोला अरे कपड़े पहन, उसने किया? थैंक गॉड नहीं किया। अबे तो तू मिमिक्री क्यों नहीं करेगा? और तू बहुत बड़ा काम कर रहा है, मिमिक्री बहुत बड़ा काम है। वीआईपी जो पुराने हीरो है ना उनकी यादें ताजा कर रहा है तू। कुछ तो ऐसे हीरो जिनकी आवाज वो खुद भूल गए, तेरे चक्कर में याद रहती वो आवाज उनको, बहुत बड़ा काम कर रहा है तू। और साले तू कॉमेडी की बात करते ना, मेरे को बता हिंदुस्तान में स्टैंड अप का बादशाह कौन है? सच बोल। जॉनी भाई। हाँ। ये आदमी पिछले 34 साल से स्टैंड अप कर रहा है, स्टैंड अप करके मिमिक्री करके लोगों को हंसा रहा है, लोगों का दिल बहला रहा है। ये आदमी 34 साल से नहीं थका और तू 5 एपिसोड में किसी के कहने पे मिमिक्री करना बंद कर देगा? और अगर इसके बाद भी तेरे को नहीं करनी ना मिमिक्री, मत करना मिमिक्री। अरे नहीं करनी यार मेरे को मिमिक्री। जाना मत कर, तेरे को नहीं करनी मेरे को मिमिक्री। इस थप्पड़ की गूंज मुझे याद रहेगी स्वप्निल। अमोल पालेकर। अरे यार जाने देना यार, मुझे मिमिक्री नहीं करनी। सुनील दत्त। मैंने कहा ना मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। राजेंद्र कुमार। मैं कहता मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। अमजद खान। मैं मिमिक्री नहीं करता, कलना नहीं करूंगा मिमिक्री। धर्मबाजी, धर्मबाजी। मैं कसम मैं तेरा खून पिलाऊंगा। मैंने कहा मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। तूने एक्टर बोला था। सॉरी कन्हैयालाल। अरे बेटा धर्म से बढ़ के कोई चीज ना थी, मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। सुनील दत्त। मैं वहां बसे कह रहा हूँ माँ कसम मैं प्रेमनाथ बच्चे मशान तो मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। अबे मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। क्या बात है, मैं मिमिक्री नहीं करूंगा। भाई कमाल कर दे। नाना पाटेकर। तेरे को बोला ना मिमिक्री करूंगा, मैं मिमिक्री करूंगा, हिंदू की भी करूंगा, मुसलमान की करूंगा, दोनों की करूंगा। इमरान हाशमी। अबे मिमिक्री कर, आवाज सुना? अरे मिमिक्री वीआईपी मिमिक्री, आवाज सुना? भाई मैंने उसकी इतनी आवाज सुनी बस। भाई 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 ये नहीं हो सकता। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। शटर बंद करो, शटर बंद करो, शटर। एक मिनट, लेकिन हमको जीतना नहीं है, इतने ट्रैफिक में कौन चाय पीने वहां तक जाएगा यार। डाउन। मैं हूं मानिनी डे और ये है प्रताप फौजदार, और आज हम बात करेंगे आदमी और औरत के बीच के झगड़े के बारे में। यार ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया मतलब? बताया उसको जाता है जो सुनना चाहता है,
आप भी हर मर्द की तरह हैं, आप सिर्फ वही सुनते हैं जिसमें आपकी खास दिलचस्पी होती, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। कम तो तुम भी नहीं हो। क्या मालनी डे? यार ये डे से मुझे कोई और डे भी याद आता है। शोभा डे? नहीं। मन्ना डे? ओ नहीं, वैलेंटाइन डे। हाय हाय, आपने भी अपनी लाइफ में वैलेंटाइन डे मनाया कभी? अरे मुझे जॉनी भाई ने एक फूल लाके दे दिया, मैं फूल लेके चला गया। अच्छा फिर? ओ शाम तक खड़ा रहा, किसी ने फूल नहीं लिया। ओहो, पर शाम के टाइम एक वो आ रहा था। ओ मैं कहा भाई ले फूल पकड़। जैसे ही मैंने उसको फूल पकड़ाया, एकदम से बोला, हाय हाय सरदार जी, आपने तो मेरी इज्जत रख ली। व्हाट अ लवली लव स्टोरी। भाई इज्जत तो तेने मेरी रख ली। सारा फूल सूंघने लग गया। फिर एकदम बोला, ए सरदार जी ये फूल तो तुम्हारा नकली है। ओ मैं कहा साले फिर तू ही कौन सा असली है। ये क्या कर रही हो? टच अप। ओ वहां दो घंटे से क्या कर रही थी? मेकअप। वैसे औरतें जी, आदमी होते ना बड़े अजीब होते हैं ना, औरत से शादी करनी है ना कुछ, लग लो जी उसके पीछे। तो क्या हुआ है? भाई कार के पीछे भी तो कुत्ता भागता है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसे चलाना चाहता है। ये कैसा लॉजिक है? ये पंजाबी लॉजिक है। पंजाबी लॉजिक? मैं आपको एक असल बात बताती हूँ, औरत महान है। कैसे है भाई, जरा बताओ। ओके, मदरलैंड होता है जी, फादरलैंड तो कभी सुना नहीं होगा आपने। है ना, माँ की ममता होती है, बाप की ममता के बारे में आपने कभी सुना है? माई का लाल होता है जी, बाप का लाल नहीं होता, समझ में आया आपको? हैं? तो बेसिकली औरत सर्व संपन्न संपूर्ण होती है। ओ मेरी बात सुनो। क्या है? बाप भी कम नहीं होता। कम नहीं होता? बाप कहाँ कहाँ काम आता है ये मैं बताता हूँ। काम आते है बाप? हाँ। कैसे? देखो कोई आदमी अगर किसी टनाट चीज को देखे तो उसके मुंह से क्या निकलती है? बाप रे बाप। ओए जो सबसे ज्यादा मेहनती ईमानदार आदमी होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेडिकेटेड। कोई मम्मी केटेड होता है क्या? What? वैसे एक बात बताइए, जब दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो किसको बुलाया जाता है? जजों को। तो ठीक है, हम भी अपने जजों से पूछते हैं, Who's better? Is it a man or is it a woman? Only man. Let them decide, जी। Thank you. Thank you. Thank you.